सिटी स्टेडियम पूरा भरा है। लोग यहां अपने हीरो रुद्र के सपोर्ट में काफी मात्रा में आए हैं। थैंक यू एवरीवन। वो रहे जेनी जॉडी। हाय एवरीवन। दोस्तों, आप सबका मजीशियंस मीट में स्वागत है। सबसे पहले काल सिटी के जेनी जॉडी अपने मैजिक का प्रदर्शन करेंगे। अरे पर ये जमीन से पत्थर क्यों निकाल रहा है? स्निटी स्पीडी स्नेकी चू। ये हुई ना बात। बहुत हुई मस्ती जेनी जॉडी। रुद्रा तुम्हारी बारी। अब ये घुमाता ही रहेगा कि कुछ और भी करेगा? क्या बात कर रहे हो? क्या हुआ जयसिंह, बहुत परेशान लग रहे हो? सर मजिस्ट्रिको, मुझे अभी भी पता चला है कि मजिशियन फ्रोजो पिछले एक साल से ब्लू लीव्स को अपने खाने पीने में इस्तेमाल कर रहा है। मजिशियन फ्रोजो, जो पूरे वर्ल्ड को फ्रीज करके खुद राज करना चाहता था, लेकिन मैंने तो उसकी आंखों पर मैजिकल बैंड लगा दिया था। जब तक उसकी आंखें नहीं खुलती, वो मैजिक से कुछ भी फ्रीज नहीं कर सकता। ब्लू लीव्स खाने से क्या होगा? सर मजिस्ट्रिको, ब्लू लीव्स से आपके मैजिक का असर खत्म हो सकता है। आज पूरनमासी है, मुझे लगता है आज वो कुछ न कुछ करने की कोशिश जरूर करेगा। मुझे अभी निकलना होगा, उसे रोकना होगा। दादाजी इतने टेंस क्यों लग रहे हैं? बहुत इंतजार किया है मैंने इस दिन का। मजिस्ट्रिको ने बहुत कोशिश की मुझे कैद करने की। आज ये मैजिकल ब्लाइंड्स हटेगी और मेरा बदला शुरू होगा।
सही कह रहे हैं सर, अब पता चलेगा मैजिस्टिको को कि उन्होंने गलत इंसान से पंगा ले लिया है। खुल जा ये मेरी पट्टी, कर दूंगा फिर मैं सबकी छुट्टी। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, मुझे इसे रोकना होगा। डिवाइस का पट्टी टाई हो। अरे वाह, काम तो बन गया। जय सिंह चौहान, मेरी खुशी देखने आए हो या अपनी बर्बादी? डिवाइस का सकुम बाइंडू। दादाजी, तुम जो कोई भी हो, मेरे दादाजी को अभी आजाद करो, वरना अच्छा नहीं होगा। मुझे जानते भी नहीं और चैलेंज कर रहे हो। फ्रोजो से लड़ने के लिए अभी तुम बहुत छोटे हो, जयसिंह के ग्रैंडसन। फ्रोजो, रुद्रा की उम्र और रुद्रा के जादू पे कभी शक मत करना। रुद्रा, अभी फाइट करने से ज्यादा इम्पोर्टेंट दादाजी को बचाना है। जा के कहां जाएंगे, अभी तो मेरा ही राज है। रुद्रा, तुम आ गए। मैंने सुना फ्रोजो के बारे में। तुम्हारी हेल्प के लिए मैंने पहले ही ये बुक निकाल रखी है। लगता है किसी ने मेरी बुक को मजिशियन लाइब्रेरी में खोला है। हो ना हो, वो रुद्रा ही होगा। कुछ तो क्लू मिल जाए। मिल जा। रुद्रा, जल्दी करो, हमला हुआ है। रुद्रा, फास्ट। अलाज़ार सर, मुझे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो मिल गई है। हम जल्दी लौटेंगे, तब तक आप दादाजी का ख्याल रखिएगा। ये जगह अच्छी लगती है। क्विक स्टॉप। हाँ?
रुद्रा, जब जय सिंह और सर मजिस्ट को मुझे ज्यादा दिन नहीं रोक सके तो तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? मैंने इस दिन के लिए बड़ा इंतजार किया है और तुमने क्या सोचा मुझे इतनी आसानी से रोक लोगे? इस बर्फ की चादर से निकल कर दिखाओ, तब मुझसे बात करना। ये कोई मामूली बर्फ नहीं है। अरे कर भला तो हो भला, थोड़ी देर में तो सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा रुद्रा। चल रंगीला, मुसीबत में दिमाग ठंडा रखना चाहिए, और हम लोग तो खुद ही ठंड की चादर में हैं, फिर टेंशन क्यों लेना? हमारे दोस्त कब काम आएंगे? रुद्रा, यहाँ पे हमारे दोस्त कैसे आएंगे? आएंगे नहीं, यही है मेरे बेस्ट फ्रेंड्स जिमजुम। फ्रेंड्स जल्दी बाहर आओ। जिमजुम, ट्री रूट्स को बोलो हमें यहाँ से बाहर निकाले। अभी लो रुद्रा। ट्री रूट्स, प्लीज हमें इस बर्फ की चादर से बाहर निकालो। जय सिंह से तो मैंने अपना बदला ले लिया, अब किसी तरह बाकी सारे मजिशियंस को यहाँ बुलाकर उनको भी अपने काबू में करना होगा। एक बार सब फ्रीज हो गए तो उनको मेरी बात माननी ही होगी। तुम एक चिट्ठी लिखो। क्या लिखना है फ्रोजो जी? मेरे प्यारे मजिशियन भाइयों, मैं मजिशियन फ्रोजो एक बहुत बड़ी गेट टुगेदर पार्टी रख रहा हूँ, जिसमें आप सबका आना कंपलसरी है, क्योंकि सर मजिस्टिको और जय सिंह यहाँ पहले ही आ चुके हैं। सर, पर ये चिट्ठी सब मजिशियंस तक पहुंचेगी कैसे? अगर सारे मजिशियन फ्रोजो के इनविटेशन पर आ गए तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अब वक्त आ गया है लाइब्रेरी से मिली इन्फॉर्मेशन को यूज करने का। फ्रोजो को सिर्फ एक ही जगह पर हराया जा सकता है, वो जगह है डेजर्ट ऑफ रेड एंड्स। सिपाइस का हिप्नोटाइजो। जाओ और अपने बॉस से कहना कि सर, आपने मजिशियंस को पार्टी का इनविटेशन तो भेज दिया, पर मुझे अभी अभी पता चला है कि सारे मजिशियंस पहले ही डेजर्ट ऑफ रेड एंट्स में अपनी मीटिंग करने जा रहे हैं। अच्छा, ऐसी बात है तो कोई बात नहीं,
मैं सबको वहीं पर फ्रीज कर दूंगा। अरे कर भला तो हो भला, भूकंप आ रहा है क्या? रुद्रा, तुमने मेरे असिस्टेंट को हिप्नोटाइज करके अच्छा गेम खेला था, पर फ्रोजो भी रियलिटी और मैजिक को टेस्ट करने में एक्सपर्ट है। मेरी आंखें कुछ साल बंद थीं, पर दिमाग तो हर वक्त खुला था। अब मैं तुम्हारे साथ कुछ करूं, उससे पहले देखते हैं कि तुम लोग इस डेजर्ट में बचते हो या नहीं। कर भला तो हो भला, सुना है रेड एंट का काटा मरहम तक नहीं मांगता। क्या रंगीला, एक एंट के काटने से ज्यादा कुछ नहीं होगा। और अगर कई सारी एंट्स एक साथ हमला करें तो क्या होगा? तुम लोग तो बड़े लकी निकले, एंट्स भाग गईं, पर इनकी छन छन से कैसे बचोगे? तुम मुझे काबू करने चले थे, अब तो तुम लोग अपनी अंतिम घड़ियां गिनो। माय डियर रुद्रा, बाय बाय। अंतिम घड़िया हमारी नहीं, तुम्हारी आई है फ्रोजो। रुद्रा की उम्र और रुद्रा के जादू पे कभी शक मत करना। तुम तो मेरे सामने हो, फिर भी तुम वहाँ कैसे? रुद्रा! ये! जब तुम जमीन के अंदर से सबके पैर पकड़ रहे थे, मैं तभी वहाँ से निकल रहा था। बाइस का इमेज क्रिएटो। तो तुमने मुझे जानबूझकर डेजर्ट में बुलाया ताकि मेरा मैजिक यहाँ काम ना करे, पर फ्रोजो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। अंतर मंतर काली कलंतर छू। फ्रोजो, जिंदगी ने तुम्हें एक मौका दिया सुधरने का,
उसे भी तुमने गंवा दिया। अब तुम्हें माफ करने का कोई चांस नहीं है। अब से तुम पाताल में बने तहखाने में कैद रहोगे। रुद्रा, थैंक यू वेरी मच। तुमने ना सिर्फ अपने दादाजी को बल्कि पूरी दुनिया को बचा लिया है। रुद्रा, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। मैं एक दिन फिर लौटूंगी।